हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपके पास क्या, यू हैव टू चेंज द गिवन नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम सीखेंगे आज स्टैंडर्ड फॉर्म, कल वाली वीडियो में हम सीखेंगे यूजुअल फॉर्म। ओके बच्चे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर क्या होती है, किसी भी नंबर को के इंटू 10^n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, 10^ की फॉर्म में। और जो ये आपका k है ना बच्चे, इसके की वैल्यू सिर्फ होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब किसी नंबर को अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ ना, 9 × 10^5, तो दिस इज कॉल्ड योर स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब ध्यान से देखना, इसमें भी दो टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं। एक तो जिसमें डेसिमल है ही नहीं, एक तो जिसमें डेसिमल है ही नहीं, और एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे सॉरी, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास डेसिमल है ही नहीं। जिसमें आपके पास डेसिमल है नहीं, तो वहां पे आपने क्या करना है, जब डेसिमल नहीं है, मैं लिख रही हूं डेसिमल नॉट एग्जिस्ट, तो आपने क्या करना है। ठीक है, जहां पे डेसिमल है ही नहीं, जैसे आपको दिया हुआ है 232, आपने क्या करना है, यहाँ पे पहली डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। पहली डिजिट छोड़ दी, 2 बन गया, 2 के बाद क्या लग गया, डेसिमल। इनटू का साइन लगाओ, डेसिमल के बाद वाले जो नंबर है उनको काउंट करो, 1, 2, तो आंसर आ गया 10^2, 2.32 × 10^2। ओके, आप देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, 405, 1, 2, 3, 4। मैंने बोला सिर्फ एक नंबर छोड़ना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से। ठीक है, ये आपका 4 है, 4 के बाद क्या लग गया, डेसिमल, डेसिमल लग गया यहाँ 0 और 5। जहाँ तक आपके पास डिजिट्स अवेलेबल है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वहाँ तक आप लिखो, उसके बाद वाले काउंट करो, 0 हर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ डेसिमल लगा है तो काउंट करना 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आंसर आ गया 10^6। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं कहाँ डेसिमल लगाऊंगी बेटा, यहाँ पे लगाऊंगी, तो इसके बाद वाले डिजिट काउंट करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो थर्ड पार्ट का आंसर कितना हो गया, 1.5 डिजिट्स यहीं तक अवेलेबल है, 0 को आपने लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ गया, 10^9। पावर हमेशा पॉजिटिव आएंगी। ओके, इन सेम वे अगर मैं वहाँ पे जाऊँ पार्ट नंबर 4 पे, तो यहाँ डेसिमल लगेगा, डिजिट्स काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 point, वहां तक लिखो जहां तक आपके पास डिजिट अवेलेबल है, डिजिट सिर्फ यहीं तक अवेलेबल है, बाकी 0 है, तो क्या आ गया, × 10^15। इन सेम वे लास्ट पार्ट 3 point, यहां लग जाएगा डेसिमल, तो डिजिट्स काउंट करना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कितना आ गया, 3.186 × 10^10, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दोबारा देख लो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जहाँ पे डेसिमल लग गया, डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट अवेलेबल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आपने वहाँ तक लिखना है। अगर 0, 0 है तो 0 को हटा देना है और उनको 10^ में काउंट कर देना है। ओके बच्चे, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यूज स्टैंडर्ड फॉर्म में जब चेंज करना, जब आपके पास डेसिमल है ही नहीं। अब मेरे पास क्या है, व्हेनेवर डेसिमल एग्जिस्ट, जब आपके पास डेसिमल है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये था क्या था, डेसिमल था ही नहीं, अब मेरे पास डेसिमल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वहां पे आप कैसे करोगे, जब आपके पास डेसिमल प्रेजेंट है, ये आपकी डेसिमल के बाद की साइड को क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड, और डेसिमल की इस साइड क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड साइड। जब भी आप डेसिमल को, मैंने आपको बोला था डेसिमल के पहले एक डिजिट होगी और एक डिजिट की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस डेसिमल को यहाँ लेके जाऊंगी, यहाँ शिफ्ट करूंगी, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगी, जितनी डिजिट शिफ्ट किया उतनी पावर माइनस में आ जाएंगी 10 की। कितनी डिजिट शिफ्ट किया, ओनली वन डिजिट शिफ्ट किया, तो पावर क्या आ गई, माइनस। अगले वाले में देखो, डेसिमल को यहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है, 3 के बाद, अगर 3 के बाद मैं शिफ्ट करूँगी तो कितने डिजिट शिफ्ट किया,
1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जब भी आप डेसिमल है और उसको शिफ्ट कर रहे हो राइट हैंड साइड पे, तो आपकी पावर हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। सो 3.5 × 10⁻¹, 1, 2, 3, 4, 5, 10⁻¹⁵ will be your answer। ओके बच्चे, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। अब देखो यहाँ पे डेसिमल को यहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो डिजिट्स को काउंट करोगे, करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो क्या आ गया, 8.5 × 10⁻¹⁰ जहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हो गया है उसके बाद वाले डिजिट को आप काउंट नहीं करोगे, और पावर कैसी आ जाएंगी, नेगेटिव, क्योंकि मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड डेसिमल को शिफ्ट किया, राइट। तो यहाँ पे देखो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक के डिजिट काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो आंसर विल बी 9.42 × 10⁻¹⁰ ओके बच्चे, अपनी बुक में देख के काउंट करना। हो सकता है मैंने एक आधी जीरो यहाँ पे कम लगा दी हो, आपकी बुक में और ज़्यादा जीरो दे रखी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो ये काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो 9 आ गया, 8.37 × 10⁻¹⁹ विल बी योर आंसर। ओके बेटा, तो ये था हाउ टू चेंज अ नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू चेंज अ स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू यूजुअल फॉर्म, यानी कि अब आपको ऐसे दिया होगा, आपने ऐसे बनाना है, दिस इज योर यूजुअल फॉर्म एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।